सब्सक्राइब करें सुषमा पैशन को सिलाई की सभी अपडेट्स के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा आपका मेरे चैनल सुषमा पैशन में स्वागत करती हूं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे सिंपल पायजामा की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ये है हमारी ड्राफ्टिंग, ठीक है, और ये है हमारी थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले थ्योरी से जानने स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक बच्चे का मेजरमेंट लिया है, आप चाहें तो इसी तरह बड़े का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा मेजरमेंट। हमारी लेंथ है 23 इंच, आसन 9 इंच, थाई 15 इंच और मोहरी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ आसन, थाई और मोहरी क्या क्या होते हैं। थाई का तो आपको पता ही होगा, कहाँ पर लेते हैं मेजरमेंट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार ड्राफ्टिंग में। देखिए, ये तो होती है हमारी लेंथ, ठीक है। ये यहाँ पर आता है हमारा हिप का पॉइंट, और हिप से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है ये होता है हमारा आसन, और आसन के ऊपर ही यहाँ पर होती है हमारी थाई का निशान, और नीचे मोहरी ये होती है, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक आकृति ली ABCD, ठीक है। AC हमारा ऑन फोल्ड है। AC पॉइंट पर हम पजामा की लेंथ लेंगे। मान लीजिए हमें 23 इंच लेंथ हमें तैयार करनी है, तो उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 3 इंच प्लस करेंगे, 26 इंच, ठीक है। अब हम AB पॉइंट पर हम हिप का निशान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमने ड्राफ्टिंग ली है, तो ड्राफ्टिंग है इसीलिए हमने आकृति बोला है ABCD, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ऑन फोल्ड होगा, और ये पजामे की लेंथ होगी। पजामे की लेंथ में हम करेंगे 3 इंच प्लस करेंगे, आप चाहे तो 2 इंच भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल पतला फोल्ड करना है, ठीक है। मैं नॉर्मली हमेशा 3 इंच करती हूँ, 3 इंच, ठीक है। तो और फिर क्या बताया मैंने, AB पॉइंट पर हम अपना हिप का निशान लेंगे। तो देखिए, ये है हिप का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, और फिर हम लेंगे हमारी आसन की लेंथ जो कि हमारी 9 इंच होगी। बच्चे के हम में नॉर्मल हम क्या करते हैं, अंदाजन से लेते हैं। अगर हम बड़े का बना रहे हैं तो बड़े का हम क्या करेंगे, हिप का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच, ठीक है, क्योंकि पजामा हमेशा लूज ही सिला देता है, इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। अब आगे देखिए, अब हम थाई का निशान लेंगे, थाई का दूसरा हिस्सा करेंगे जितनी भी हमारी थाई होगी, और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। इसमें घुटने का निशान नहीं होता क्योंकि पजामा है, लूज है, फिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, इसलिए हम क्या घुटने का निशान नहीं लेते। GF पॉइंट हमारा थाई का निशान है, ठीक है। अब हम मोहरी का निशान लेंगे। माना मोहरी हमारी 10 इंच है, हमें तैयार करनी है, तो हम मोहरी 5 इंच लेंगे, यानी उसका हाफ करेंगे, और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे, कपड़ा मार्जिन छोड़ेंगे एक्स्ट्रा, थाई में भी छोड़ेंगे, हर चीज़ में। अब देखिए आगे, इसकी भी कटिंग प्लाजो जैसी होती है, इसमें भी साइड में 1 इंच छोड़ सकते हैं और नहीं भी। अगर मान लीजिए जैसे बच्चे का, तो बच्चे की में ज़रूरत नहीं होती, पर लेकिन अगर हम बड़ों का पजामा बना रहे हैं या प्लाजो बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट और बैक हिप में या फिर आसन में 1 से 1.5 इंच की, और अगर हैवियर साइड पर हैं तो 2 इंच का हम आसन एक्स्ट्रा लेते हैं बैक साइड का। तो हम अगर आपको सेम आसन बनाना है जैसे बच्चे की में ज़रूरत नहीं होती, तो आपको 1 इंच यानी साइड की जो ये वाला हिस्सा है ऑन फोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ से सिलाई करते हैं और आसन का जो पेंट प्लाजो में हम लेते हैं, इस तरह से देखिए, बैक वाला हम आसन एक्स्ट्रा लेते हैं,
ठीक है, पर क्योंकि ये बच्चे का है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सिलाई के बाद हमारा पजामा तैयार है। तो चलिए मैं आपको ड्राफ्टिंग से समझाती हूँ अच्छे से। तो देखिए ये हमारे पजामा की ड्राफ्टिंग है, बच्चे का है, मैंने बच्चे का मेजरमेंट लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को फोर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक हम साथ निकालेंगे। अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो फ्रंट और बैक हमेशा अलग अलग निकालें, क्योंकि बैक में हमें 1.5 इंच आसन एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पॉइंट तक हमारी क्या होगी, पजामे की लेंथ और ऑन फोल्ड हिस्सा होगा। ठीक है, जितनी भी लेंथ होगी उसमें हम 3 इंच प्लस कर देंगे। मान लीजिए हमें 23 इंच प्लस तैयार करनी है तो हम क्या करेंगे, 26 इंच हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर होगा हमारा हिप का निशान। हिप का हमारा कितना होगा, जितना भी होगा हमारा हिप का मेजरमेंट उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे प्लस 1 इंच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया है अंदाजन 9 इंच का आसन। बच्चे में हम ज़्यादातर अंदाज़ा कर लेते 8 या 9 का। ठीक है, और जब हमें बड़ों का आसन निकालना होता है, पैंट प्लाजो या प्लाजो सिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हिप का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर हमारा होगा थाई का निशान। जितनी भी हमारी थाई होगी उसका हम हाफ कर देंगे और प्लस 1 इंच। देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया हमने। ठीक, पजामा हमेशा लूज ही सिलता है, कभी भी फिटिंग का नहीं होता, या फिर आप प्लाजो सिलते हैं वो हमेशा हमें लूज ही कंफर्टेबल महसूस होता है इसलिए। ठीक है, और अब हम लेंथ पे, जहाँ पे हमारी लेंथ है यहाँ पर, यहाँ पर हम लेंगे मोरी। मान लीजिए हमें 10 इंच तैयार करनी है तो उसका हाफ कर देंगे, यानी 5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा से, फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। तो ये है हमारी पैजामा की, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल प्लाजो की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। तो देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम मैंने ऐसे इसे इस तरह से क्यों फोल्ड किया हुआ है, देखिए ये है मेरा, ये जो हम जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं, नॉर्मली हम बड़ों में क्या करते हैं, बाद में बेल्ट डालते हैं, है ना। तो ये मैंने फोल्ड किया हुआ है, बच्चे का है क्योंकि पजामा, तो मैंने ये इसको बेल्ट को पहले ही डबल फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ही मैंने आसन लिया है, और फिर इसके कारण मुझे दोबारा से बेल्ट नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं समझ आए तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा से। बच्चे के में ही कर सकते हैं, मान लीजिए 4 से 5 साल का अगर कोई बच्चा है या 10 साल का, पजामे में आप इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे तो आपको अलग से बेल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ों में हम फिनिशिंग के कारण, और क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैंट प्लाजो में हम इलास्टिंग और पेस्टिंग भी डालते हैं, इन सभी चीज़ों के कारण हम अलग से डालते हैं बेल्ट, और इस तरह से पहले ही डबल फोल्ड कर लेंगे इसको तो हमें अलग से बेल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको कुछ समझना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूँगी, पॉज कर दूँगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोनों का, इस तरह से। और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।